यह कहानी एक खूबसूरत औरत की है जिनका नाम प्रभा देवी था। वह एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। वह बात 1960 के वक्त की है जब देश में छुआछूत बुरी तरह छाया हुआ था। प्रभा देवी स्कूल पढ़ाने जाती थी लेकिन उस स्कूल में आए बच्चों को हाथ नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वह मैडम से एक फीट की दूरी से बात करे। उनकी किताबों तक को वह हाथ नहीं लगाती थी। स्कूल के अलावा उनके घर में भी कुछ इस ही तरह के नियम थे। साथ ही वह बहुत सुंदर थी और उन्हें सुंदर दिखने वाली महिलाओं से दोस्ती करना पसंद था। साफ सफाई से रहना प्रभा देवी को बहुत पसंद था। वो बिस्तर पर एक सल भी देखना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो प्यार तो बहुत करती। उन्हें तोहफे देती, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देती, दिल से दुआ भी देती, पर उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं बैठाती और ना ही अपने बेड पर, क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चे के गंदे कर देने का डर होता था। वक्त बीत गया जब प्रभा देवी की उम्र 70 वर्ष हुई। उनके पास उनकी एक बेटी रहती थी। अब प्रभा देवी को एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी। ना वो चल सकती थी, ना किसी के सहारे के बिना एक करवट बदल सकती थी और उनका शरीर दुर्लभ हो गया था जिसे देख कोई भी डर जाए। उनकी बेटी उनकी पूरी सेवा करती पर फिर भी कई बार प्रभा देवी जी कई घंटों गंदगी में पड़ी रहती। जिन नौकरों से प्रभा देवी अपने आप को दूर रखती थी आज वो उनके सहारे के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। प्रभा देवी दिल की बुरी नहीं थी पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज़्यादा चिंतित और अनजाने में ही सही पर दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हें इन बातों को जीना पड़ा।